तो चलिए बच्चों, एक और लेक्चर आप लोगों के लिए है। एसएल अरोड़ा का लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी चैप्टर की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। एंजॉय करो, खूब पढ़ाई करो और खूब मस्ती करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ। आप लोग जो भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे मेरे थ्रू, अगर पढ़ा है आपने, पूरा का पूरा कवर किया है और आपने हर वीडियो के अंदर कॉमेंट और आपका डिस्कशन रहा वो अलग ही दिख जाता है, तो मैं आपको एक प्राइज़ दूंगा जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं प्राइज़ दूंगा। अब वो क्या माध्यम रहेगा वो आप तब देखा जाएगा, मैं किस तरह से दूंगा आपको। आप यहाँ आ सकते हैं मेरे पास तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको कोरियर करना पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं, लेक्चर नंबर 6 एसएल अरोड़ा का है। टॉपिक जो है इसके अंदर जो डिस्कशन किया जाएगा वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है ओम्स लॉ का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा है। मतलब अभी तक जो पूछा जाएगा उसमें ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अभी तक के लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये छोटा सा एक टॉपिक रहेगा, इसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये बता रहा हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। मुझसे कोई बच्चा पूछता ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, भाई कुछ इंपॉर्टेंट ना, सब पढ़, कुछ भी पूछ सकता है बोर्ड, सब पढ़ ले। लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है डेरिवेशन, ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है और अच्छा है, इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन बचा हुआ है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या खास बात है। तो बना लेते हैं पहला टॉपिक, क्या रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। अल्टीमेटली डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ आपको निकालना है। ओम्स लॉ आपको पता है ना, व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द वायर डज नॉट चेंज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। चलो रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, इसके लिए सबसे पहले आपको एक मेटल कंडक्टर का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेट अस सपोज कि एक मेटल कंडक्टर है जिसके सिरे पर आपने एक बैटरी कनेक्ट कर रही है। बैटरी का लेट अस सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा जो इसके अंदर चार्ज कैरियर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ को मूव होना शुरू कर देंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको बता रखा है पूरा का पूरा कंडक्शन किस तरह से होता है मेटल के अंदर, आप देख लीजिएगा इससे पहला वाला लेक्चर। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई वैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी जिसकी वजह से इनका मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए इनका जो मूवमेंट आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, इट मींस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, बट निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही होगी जिसकी वजह से इसके पास एक एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज, अब ये भी मान लो कि भाई इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। तो मैं कह देता हूं लेट अस सपोज एल एल इज द लेंथ, अलग अलग दिखाओ, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर की एल लेंथ है एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस्टैब्लिश हो चुकी है, ये तभी आएगी जब आपने वी बोल्ट की बैटरी लगा रखी होगी। तब जब आपने ये किया तब हुआ क्या, तब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट आएगा। अब आपको एक बात बता दूं, आपको चाहिए क्या, आपको करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के अंदर रिलेशनशिप चाहिए।
अब जब आप करंट निकालोगे तो करंट निकालने के लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए, टोटल चार्ज कितना है। तो लेट अस सपोज कि ये ए, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, ठीक है, और इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर है वो है एन, एन कह दो। लेट से स्मॉल एन बी द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इट मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या हो गया, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आपको करंट चाहिए, तो करंट होता क्या है, करंट होता है चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो आप चार्ज निकाल लो, तो आप चार्ज निकालने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आपको पता है पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो एन से, पूरे नंबर के पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन है, तो बताओ पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो सीधी सी बात, मैं यहां को लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, यहां से लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको इक्वल लगा देना, ये इलेक्ट्रॉनों का नंबर निकाल रहा हूं। तो भाई सीधी सी बात है, वॉल्यूम इनटू स्मॉल एन, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया कि कैसे हो रहा है, तो सीधी सी बात मैं उससे ये कहूंगा कि एक मीटर लेंथ में एक कोई और भी और चीज ले लो, एक मीटर लेंथ में कोई चीज पांच है, तो बताओ 50 मीटर लेंथ में कितनी हो जाएगी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना 50 से। तो वैसे ही कह रहा हूं कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, तो पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हो, यहां पर वॉल्यूम किस तरह से निकालोगे, आपको पता है लेंथ एल है, ए एरिया है, तो एरिया की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ, यहाँ पर स्मॉल एन आपका पहले से चला क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन है, तो आपके पास पता लग गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए, ठीक है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से लेट अस सपोज कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हुए और यहाँ तक आ गए, तो इलेक्ट्रॉनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो एल ट्रैवल की है। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में हो सकता है इलेक्ट्रॉनों को कुछ टाइम लगा हो, लेट अस सपोज कि वो टी टाइम लगा होगा, तब इस हिसाब से मैं वेलोसिटी का पता लगा लूँगा। तो वेलोसिटी का पता लगाने से पहले मैं करंट निकाल लेता हूँ, क्या करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। बताओ करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज क्या होता है, बताओ चार्ज क्या होगा, चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू इज इक्वल टू एनी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बताओ इलेक्ट्रॉनों का ये नंबर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, NaN या फिर AnL, NaL कह दो, NaL इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, E, तो ये टोटल चार्ज आ चुका, ठीक है भाई। अब देखिएगा टाइम, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको इक्वेशन मैंने बन कह दिया। अब आपको एक चीज का पता, सिंस यू नो दैट, अगर आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा यहां से यहां तक चलने में, एल लंबाई चलने में, तो आप क्या कहोगे टाइम टेकन, टाइम टेकिंग बाय
electrons to cover L distance. अब L distance किसकी है? कंडक्टर की. तो आपको टाइम निकालना, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब आपको टाइम चाहिएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी. तो यहां डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. चूंकि आप बात कर रहे हो एवरेज टाइम की, तो भाई डिस्टेंस जो हो जाएगी पूरे कंडक्टर की लेंथ एल, वो डिस्टेंस का काम करेगी. क्योंकि इतनी ही लेंथ में यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आए, तो लेंथ तो यही कवर करी इलेक्ट्रॉनों ने. ठीक है, स्पीड कितनी होगी? तो वहां पर एवरेज स्पीड वीडी हो जाएगी. इस वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर वन में. तो मैं लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन वन. ठीक है, पुट करो इक्वेशन वन के अंदर. इसको मैं मिटा देता हूं. जैसे आप इसको इक्वेशन वन में पुट करोगे तो आपके सामने जो निकल कर आएगा वो ये आएगा, I इज इक्वल टू एन ए एल, ये ऐसे ही रहेगा, ई बी ऐसे ही रहेगा. आपने टी की जगह क्या रख दिया? एल अपॉन वी डी. किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत आने चाहिए, चाहे आप कितने भी बुद्धू हो. अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा. सबसे ऊपर का मतलब ये हो गया कि एन ए एल ऐसी रहेगा, ई ऐसी रहेगा और एल भी ऐसी रहेगा नीचे वाला. अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर जाने का मतलब ये है कि वी डी सबसे ऊपर पहुंच जाएगा. एल से एल कट जाएगा, जो बचा उसको लिख दो. बचा आई इज इक्वल टू एन बचा, ई बचा, ए बचा और वी डी बचा. ये वही रिलेशन है जो हमसे पूछ रहा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन. क्या ये आ नहीं गई? I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. पहला वाला पार्ट हमारा कवर हो गया जो हमसे पूछा गया था. दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन किस किस में? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको वी डी कहा गया. क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई. क्या टफ था बाल को? बिल्कुल टफ नहीं था. अब हमसे पूछा क्या गया? ये वाली बात तो हो गई, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब आगे कह रहा है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसको भी ड्राइव करके बताओ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी. तो हम यहां को लिखते थे क्या? डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, डेरिवेशन लिख देते हैं. डेरिवेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए. ओम्स लॉ क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर और वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये होता, इसका मतलब आपको वोल्टेज चाहिएगी और करंट चाहिएगा. सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, सबसे आसान किस तरह से निकालोगे आप. जब आप सब पूछे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, आप कहोगे वी नो दैट, हम जानते हैं एक बात. वी नो दैट क्या? वो आप ये जानते हो, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी इज क्या है? वो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. क्या रिलेशन आपको पता है? बिल्कुल पता होगा. अब देखिएगा, आपने एक चीज पढ़ लिखी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, वी डी इज इक्वल टू क्या था आपके पास? ए इंटू टाओ था. और आपने पढ़ रखा ए जो होता है वो होता है चार्ज, दैट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन एम. क्या नहीं पढ़ रखा आपने? फोर्स अपॉन मास. और टाओ आपका ऐसे ही रहेगा, तो ये आपके पास वी डी है. इसको इक्वेशन नंबर वन कह दो, वी डी आपके पास है ये. इसको और सॉल्व करो, वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई अपॉन एम, ऐसे ही रहने दो. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं पता? इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपके पास ई है, वी है और लंबाई एल है, तो यहां पर लगवा पोटेंशियल डिफरेंस वी. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए ई, लेंथ है एल, तो उस हिसाब से ई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन एल. पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ऐसे देते हो, ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल. तो भाई इसको रखो, अब यूज करो इसको. ई की जगह क्या रखोगे आप? ई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन एल. E आपने V अपोन एल रख दे, E अपोन एम ऐसे चल रहा है, यहां पर टाओ ये ऐसे ही चलता रहेगा.
बस कुछ नहीं है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो. लिख देता हूं, पुट इन इक्वेशन वन. इक्वेशन वन के अंदर पुट करो तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए, वी डी की जगह रखोगे स्मॉल ई अपॉन एम वी अपॉन एल इंटू टाओ. क्या आपने सारी बातें रख दी, और क्या आपने सारी बातें समझ ली? जब समझ ली तो जो कटा उसको काट दो और जो बचा उसको लिख दो. आप कहोगे यार यहाँ से कुछ नहीं कट रहा, मैं कहूँगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं. तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ, एन ई ये है, ई ये है, ई ये है, दो ई हो गए, तो एन ई स्क्वायर ए ये है और टाओ ये है अपोन एम एल, ऐसे ही रहने दो. और यहां आ जाएगा सिर्फ वी. आपको वी के नीचे करंट लेके जानी है, तो यहां सिंगल वी बचा हुआ है, तो वी के नीचे करंट लेके जाओ, तो ये वाली सारी की सारी चीज इस तरफ को आ जाएगी. तो मैं इसको यहां लिखता हूं क्या, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाओ अपॉन एम एल इंटू वी. यही तो था, एन ई स्क्वायर ए टाओ एम एल इंटू वी. ठीक है भाई, आपको V के नीचे करंट लेके जाना. जब V के नीचे करंट लेकर जाओगे और ये सब चीज़ें हटाओगे तो ये सब चीज़ इक्वल के इस तरफ जाएंगी, तो डिवाइड वाली चीज़ इधर जाओगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएगी. एन ई स्क्वायर ए टाओ ये आ जाएगा V अपॉन आई. किसी भी गिवन टेम्परेचर पर ये सारी की सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती हैं. फॉर अ गिवन टेम्परेचर एम कोमा एल कोमा एन एरिया एंड टाओ एंड ई आर कॉन्स्टेंट. ये सब के सब क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू नहीं बदलती. जब नहीं बदलती तब क्या होगा, वी अपॉन आई ये क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट. ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट. और ये कॉन्स्टेंट ही जो है, ये कॉन्स्टेंट ही जो है ये क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा. ये कॉन्स्टेंट ही क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा. सिंस ये कॉन्स्टेंट जो है आर ही है, क्या एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाओ. समझ गए, तो यही तो है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. हो गया पूरा का पूरा प्रूफ, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर. तो यही है, हेंस दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेशन ऑफ ऑफ ओम्स लॉ. क्या नहीं है क्या रिक्वायर्ड डेरिवेशन, क्या वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर? तो ये हमारे पास आर निकल कर आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाओ. सिंपल सा था डेरिवेशन, तो आपने ये भी कर दिया. कुछ टफ लगा इसके अंदर? बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं भाई. अब आता है रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. तो देखो इसको भी निपटा देते हैं. क्या अब ये लास्ट टॉपिक है, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टाओ एंड क्या क्या कह रखा, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी है. जल्दी से देखो क्या था, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला, ठीक है भाई. अब देखो, जब करंट डेंसिटी का नाम आ ही चुका है तो हम करंट डेंसिटी के बारे में कैसे भूल सकते हैं, उसको भी ले लेंगे. रेजिस्टिविटी आपको पता है, रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल. सिंस आपने अभी आर देखा, आर क्या था आपके पास, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाओ. क्या ये नहीं था क्या आपके पास, देख लो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाओ. तो आपने वैल्यू पुट कर दी, जैसी आपने वैल्यू पुट करी, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग अपने दिल की तसल्ली के लिए कर लो इसको सॉल्व. ठीक है भाई, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाओ को आप पुट कर दो ऊपर, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर की जगह एम एल इंटू ए अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाओ, और नीचे भी एल चल रहा है. तो देखो एम आर की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट करी है, एम एल
एम एल अपोर एन ई स्क्वायर एट आओ, नीचे एल चल रहा था वैल है, ऊपर ए चल रहा था ए है, जो कटा उसको काट दो, जो बचा उसको लिख दो, तो एल से एल कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा एम ए अपोन, अब देखो ए से भी ए कट जाएगा, तो यहाँ से जब ए से ए कट जाएगा तो इस वाले ए को भी हटा दो, यहाँ बचेगा एम, इसको पूरे को सही करके दिखा देते हैं, यहाँ से बचेगा एम और नीचे से बचेगा एन ई स्क्वायर टाओ। अब यहाँ से पता लग रहा है कि रो जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ से ये भी पता लगा कि रो जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, एन क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको लिख दिया, टाओ क्या है रिलैक्सेशन टाइम उसको लिख दिया, एम क्या है मास है, मास किसका है आपको अच्छे से पता है मास किसका है, और ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों को छोड़ो, जो रेजिस्टिविटी निकल कर आई वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, एंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड द रिलैक्सेशन टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, अगर मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अगर उनकी कोलिजन ना हो, ध्यान से उनकी कोलिजन ना हो, तो कोलिजन ना होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन आगे ही मूव करता जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन आगे ही मूव करता जाएगा तब उसके पास उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन जो अगली कोलिजन होने वाली है उसके बीच में टाइम बहुत है, जब टाइम बहुत है तो टाउ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, टाउ की वैल्यू क्या हो गई बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई, अगर टाइम ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी, तो टाइम बहुत ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद टक्कर होगी तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी घट गई, रेजिस्टिविटी क्या होती है एक तरह का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये, तो रेजिस्टिविटी घट गई, जब रेजिस्टिविटी घट जाती है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब आप यहाँ से ओ आर और ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो होती है वो रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है दो टक्करों के बीच में जो टाइम होता है इलेक्ट्रॉनों की, अगर वो ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी बताओ कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, अगर वो कम है तो कम का मतलब ये है कि अभी टकरा गया फिर टकरा गया फिर टकरा गया उसके बाद टकरा गया, तो टाइम कम लग रहा है टकराने में इलेक्ट्रॉन की दो कोलिजन में, तो जब टाइम कम लग रहा है बार बार टकरा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छे से आगे को मूव नहीं कर पा रहा, जब अच्छे से आगे को मूव नहीं कर पा रहा तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी, तो कंडक्टिविटी तभी घटी ना जब दो कोलिजन के बीच का टाइम घट गया, तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है भाई, बहुत अच्छे से समझ लेनी है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी उतनी ही कम हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी उतनी ही कम हो जाएगी, इस वाली बात को भी आप अच्छे से समझ लें, ठीक है, तो ये दो बातें थी, चाहो तो इसको आप लिख सकते हैं जो मैंने बोला है, क्या रेजिस्टिविटी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हेंस यहां को लिख सकते हैं हेंस रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर of the conductor but it depends on two major factors, देखो dimension और ओ भाई बच गया अभी गिर जाता मैं ध्यान नहीं दिया यार उधर खाई है खाई डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि कंडक्टर की ना तो लंबाई पे ना चौड़ाई पे किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी, देखो यहाँ क्या आपके पास रो में कहीं लंबाई उंबाई है कहीं एरिया वेरिया है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करती है कंडक्टर के डायमेंशन पर, बट इट डिपेंड्स ऑन टू मेजर फैक्टर, वो पहला फैक्टर क्या है इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दूसरा किस पर जल्दी से बताओ, दूसरा इट डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करती है बताओ, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, दूसरा किस पर करती है रिलैक्सेशन
रिलैक्सेशन टाइम, इन दो पर डिपेंड करती है। आई होप आपने ये क्लियर कर लिया होगा आज। अच्छा एक चीज और बताते हैं, वो बता देते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वाला रिलेशन भी देख लो, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं क्या आई इज इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। अब मैं यहां से आई अपॉन ए ले लूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा एन ई वी डी, क्योंकि ए वाला टर्म तो नीचे आ गया। और आपको पता है क्या पता है, आपको पता है कि जे जो होता है वो होता है आई अपॉन ए। तो जहां आपके पास आई अपॉन ए की वैल्यू आई थी, आई अपॉन ए की वैल्यू एन ई वी डी आई थी, तो इसकी जगह आप जे लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या हो जाएगा जे। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई वी डी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज की करंट डेंसिटी देखना चाहोगे या पॉजिटिव चार्ज की करंट डेंसिटी और डायरेक्शन दोनों देखना चाहोगे, तो भाई जिस तरफ को वी डी होगा, अगर आप पॉजिटिव चार्ज का वी डी देखोगे तो उस तरफ को ही आपके पास करंट डेंसिटी की डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी। और अगर आप निगेटिव चार्ज के नहीं देखोगे तो भाई निगेटिव चार्ज की डायरेक्शन जिस तरफ को होगी उस तरफ को उसकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब द एबव रिलेशन इज वैलिड फॉर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, तो ये हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। जितना मुझे समझाना था सब कुछ समझा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ लिया, करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन भी पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम ये भी पढ़ लिया। तो भाई इसी तरीके से हम सारे लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो सोचें आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हो जाएगी। बस सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।